एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब भगवान तो सब जानते हैं, उनकी इस भावना को भी श्री कृष्ण ने समझ लिया। अब भगवान तो भगवान है, किसी का अहंकार तो भगवान रहने नहीं देंगे, और वो भी अपने प्रिय भक्त अर्जुन का। अब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन का ये सबसे श्रेष्ठ भक्त होने का अहंकार तोड़ना था, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का ये अहंकार तोड़ भी दिया। वो किस प्रकार तोड़ा ये आज हम जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एक दिन वो अर्जुन को अपने साथ घुमाने ले गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उसका व्यवहार थोड़ा विचित्र सा था। वो सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर से तलवार लटक रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप तो अहिंसा के पुजारी है, जीव हिंसा के भय से सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, किंतु फिर हिंसा का ये उपकरण तलवार आपके साथ है, ऐसा क्यों? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूँ। अर्जुन ने पूछा, आपके शत्रु कौन हैं? ब्राह्मण ने उससे कहा, मैं 4 लोगों को खोज रहा हूँ ताकि उनसे अपना हिसाब चुकता कर सकूं, उनसे प्रतिशोध ले सकूं। सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देते, हर समय हर वक्त नारायण नारायण करते रहते हैं, हर समय भजन कीर्तन कर उन्हें जगाए रखते हैं। फिर मैं द्रौपदी पर भी क्रोधित हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारा जब वो भोजन करने बैठे थे। पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने उन्हें तुरंत जाना पड़ा। उसने मेरे भगवान को जूठा खाना तक खिलाया। ब्राह्मण ने कहा कि मेरा तीसरा शत्रु है हृदयहीन प्रहलाद। उसने मेरे प्रभु को गरम तेल के कड़ाह में प्रविष्ट कराया, हाथी के पैर तरे कुचलवाया और अंत में खंबे से प्रकट होने के लिए विवश किया। इसीलिए मैं प्रहलाद की तलाश में हूँ। और मेरा चौथा शत्रु वो है दुष्ट अर्जुन। उसकी दुष्टता तो देखिए, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना दिया। उसे भगवान की असुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। ये कहते ही ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। ये देख, अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मान गया प्रभु, मान गया। इस संसार में न जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। इस प्रकार अर्जुन का सबसे श्रेष्ठ भक्त होने का अहंकार चूर चूर हो गया। भगवान के समक्ष सभी भक्त समान हैं, कोई श्रेष्ठ या कोई कम श्रेष्ठ ऐसा कुछ भगवान के घर में नहीं होता। भगवान सिर्फ भक्ति के भूखे हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। जो दिल से उनकी भक्ति करता है, भगवान उनके दिल में बसते हैं। तो अंत में मेरे साथ प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण।